विषय रहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि 2015 में द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया गया था, उसके अंदर 5 इंडियन रिजर्व बटालियन को खड़ा करने की बात थी। उसके बाद इस साल हमारे गृह मंत्री जी ने 2 बॉर्डर बटालियन गो हैंड दे दिया है और 2 बटालियन जो है वो 6 महीने के अंदर खड़ा करने का हुक्म दिया है। इसी तरह से 2 महिला बटालियन भी खड़ी की जाएंगी। और आज एक नया तोहफा दिया है मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 1 बटालियन एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के लिए खड़ी की जाएगी और वह जम्मू कश्मीर में ही लोकेट की जाएगी। टोटल 4 बटालियन खड़ा करने का आदेश मिला है, जिसमें से 1 जम्मू कश्मीर में, 1 हिमाचल प्रदेश में, 1 उत्तराखंड में और 1 NCR दिल्ली के अंदर जो है वो लोकेट की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेट करने का मतलब यह है कि इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, साथ ही साथ जब भी कोई यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है उस पर डिप्लॉय करने के लिए रिस्पांस टाइम जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे रियासत की इकॉनमी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये साथियों, जब से भारत